नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंका प्रीमियर लीग 2024 के दो मैचेस के बारे में, जो एक ही तारीख को एक ही मैदान पर खेले जाने हैं, 6 जुलाई 2024। पहला मैच होगा कोलंबो वर्सेस बी लव कैंडी के बीच, और दूसरा मैच होना है जफना किंग्स वर्सेस दामबुला थंडर्स। इससे पहले आपको दोस्तों बता दूं कि अभी तक हमारे जितने भी LPL के प्रेडिक्शंस रहे, सभी में हमारे सारे भाइयों ने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया। इसके अलावा उनको मिले हैं बैक टू बैक जैकपॉट्स। तो भाइयों, पीछे मत रहिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, मैच नंबर 7 जो खेला जाना है बी लव कैंडी और कोलंबो स्ट्राइकर्स के बीच, ये मैच होगा 6 जुलाई 2024 को इंडियन टाइम के अनुसार दोपहर के 3 बजे, और जिस वेन्यू पर ये मैच होना है, रणगिरी दामबुला इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि दामबुला में है। इसके बाद अगर हम देखें कि इस वेन्यू पर पिछले कुछ मैचेस का कैसा रहा रिकॉर्ड, तो आप देख सकते हैं कि 17 फरवरी 2024 को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जो मैच हुआ था, श्रीलंका ने बनाए थे 160 रन ऑल आउट होकर, और अफगानिस्तान की टीम इस मैच को सिर्फ 4 रन से हार गई थी, 156 बना पाई थी। इसके अलावा इसी सीरीज का अगला मैच 19 फरवरी को होता है, जहां श्रीलंका ने बनाए 187 रन और अफगानिस्तान की टीम 115 पर ऑल आउट हो जाती है। इसी का अगला मैच 21 फरवरी 2024 श्रीलंका ने बनाए थे 209 रन और अफगानिस्तान जवाब में 206 रन बना पाती है। ओवरऑल अगर हम देखें कि स्पिनर्स और पेसर्स के बीच यहां पर क्या फर्क देखने को मिला, तो स्पिनर्स ने लिए हैं यहां 14 विकेट्स और पेसर्स ने यहां पर लिए हैं 31 विकेट, यानी कि ये पिच पेसर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पिच की थोड़ी और एनालिसिस अगर हम करें, तो हम देख सकते हैं इस मैदान का एवरेज स्कोर है 186 रनों का, हाईएस्ट स्कोर 209 रन है और लोएस्ट स्कोर 115 रन का है। इसके अलावा इस वेन्यू पर टोटल अभी तक 4 मैचेस खेले गए हैं, और सारे के सारे मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने पहले बल्लेबाजी की है। स्कोरिंग पैटर्न पर अगर हम नजर डालें, तो 150 के नीचे का स्कोर सिर्फ एक बार देखने को मिला है, 150 से 169 तीन बार देखने को मिला है, 170 से 189 के बीच 2 बार, और 190 के ऊपर भी स्कोर 2 बार देखने को मिला है। इसके बाद देख लेते हैं दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो 9 बार ये टीम्स अभी तक आमने सामने आई हैं, जिसमें से 7 बार कोलंबो स्ट्राइकर्स ने मैच जीता है और 2 मैच जीत पाई है बी लव कैंडी। इस लिहाज से कोलंबो बी लव कैंडी से बहुत आगे है, लेकिन बी लव कैंडी फिलहाल एक दमदार टीम है, इसलिए ये कंपेरिजन यहाँ कुछ खास नहीं बनता। आगे चलते हैं, दोनों ही टीम्स के अपने अपने 5 मैचेस की अगर हम बात करें, तो कोलंबो ने अपने पिछले 5 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं, 3 मैच ये हार चुके हैं। वहीं बी लव कैंडी 1 मैच हारी है और पिछले 4 मैच लगातार जीत चुकी है। इसके बाद नजर डाल लेते हैं दोनों ही टीम्स के खिलाड़ियों पर, तो ये रहे वो सभी प्लेयर्स जो हमें ग्राउंड पर प्रोबेबली दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों की जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और इस मैच में हीरो साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले नजर डालेंगे रहमानुल्ला गुरबाज, वर्ल्ड कप में अच्छी बैटिंग करके आए हैं, वही फॉर्म यहां पर भी मेंटेन कर रहे हैं, तो इन पर नजरें बनी रहेंगी इस मैच में, ये अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इसके बाद अगले खिलाड़ी की हम बात करेंगे मोहम्मद वसीम, जिनकी पिछली लगभग सारी पारियां एक से बढ़कर एक देखने को मिली है, इंक्लूडिंग एक सेंचुरी, तो बनी रहेगी इन पर नजर इस मैच में। इसके बाद अगले खिलाड़ी की जो हम बात करेंगे, एंजेलो परेरा, इनकी भी पिछली 5 पारियों में 1 शतक शामिल है, इसके अलावा 1 इम्पैक्टफुल पारी भी शामिल है, तो इस मैच में इन पर भी नजर बनी रहेगी, अच्छे फॉर्म में है और अच्छा खेल सकते हैं। इसके बाद अगले खिलाड़ी की हम बात करेंगे ग्लेन फिलिप्स, जिस ऑर्डर पर बैटिंग के लिए आते हैं वहां कोई बड़ा चांस उनको नहीं मिलता, लेकिन छोटी पारियां बट तेज तरार पारियां देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद कप्तान थिसारा परेरा, कोई बहुत बड़ी पारी नहीं, लेकिन जितनी भी पारियां हैं इंप्रेसिव हैं। आगे बढ़ते हैं, गेंदबाजों पर एक नजर डालते हैं, तो गेंदबाजी में यहां पर कोई तेज धार हमें दिखाई नहीं देती, लगभग सभी बॉलर्स का परफॉर्मेंस एक जैसा है, मिलता जुलता सा है। किसी ने अपने पिछले 5 में से 3 विकेट लिए हैं, किसी ने 2 विकेट, किसी ने 4 विकेट, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो मतीशा पथिराना पिछले 5 मैच में ले चुके हैं 4 विकेट, इसके अलावा बिनुरा फर्नांडो ले चुके हैं पिछले 5 मैचों में 6 विकेट्स। तो ये थी टीम कोलंबो स्ट्राइकर्स। अब आगे चलते हैं, नजर डालते हैं बी लव कैंडी की टीम पर। तो ये रहे वो सारे खिलाड़ी जो आपको मैदान पर दिखाई दे सकते हैं, इनमें से बात करेंगे हम कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों की। करते हैं शुरुआत सबसे पहले दिनेश चंडीमल पर, अगर हम नजर डालें तो इनकी पिछली 5 पारियां सभी के सभी एक से बढ़कर एक हैं, जहां पर एक अर्धशतक शामिल है, लेकिन अर्धशतक जैसी ही कुछ पारियां भी यहां देखने को मिलती हैं, तो इस खिलाड़ी पर इस मैच में नजर बनी रहेगी, अच्छा खेल सकते हैं। इसके बाद आंद्रे फ्लेचर, एक बड़ी पारी 84 नाबाद की यहां पर दिखती है, इसके बाद कुछ खास नहीं दिखता है, लेकिन काबिलियत है, तेज तरार बैटिंग कर लेते हैं, इसीलिए कोई भरोसा नहीं कि इस मैच में ये भी चल जाएं। इसके बाद
एंजेलो मैथ्यूज की अगर हम बात करें तो वही बात कि जिस ऑर्डर पर ये खेलने के लिए आते हैं कोई बड़ा लंबा चांस उनको नहीं मिल पाता, लेकिन काफी इम्प्रेसिव पारियां यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद टीम के ऑलराउंडर दसुन शनाका की अगर हम बात करें तो बैटिंग में कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकते हैं। एक पारी यहाँ पर 46 नॉट आउट की देखने को मिलती है जरूर, लेकिन उससे बेटर इनकी बॉलिंग है। पिछले 5 मैचों में ये 6 विकेट्स ले चुके हैं, तो ये भी इस मैच में अच्छे साबित हो सकते हैं। अगले खिलाड़ी की हम बात करेंगे वो होंगे वनिंदु हसरंगा जो कि टीम के कप्तान हैं। तो बैटिंग में ये चले ना चले लेकिन गेंदबाजी इनकी बड़ी ही अच्छी होती है। हर मैच में 2 का पहाड़ा इनको पड़ना आता है, यानी कि एवरेज हर मैच में इनको 2 विकेट्स मिल ही जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कसुन रजिता की जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और पिछले 5 मैचेस में ये ले चुके हैं 7 विकेट्स। तो ये थी टीम बिल ऑफ कैंडी। अब इस पूरी एनालिसिस के बाद और सभी आंकड़े देखने के बाद हम चलते हैं हमारे प्रेडिक्शन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू अभिमन्यु सर एंड हिज वर्क, इस मैच में हमारा सपोर्ट रहने वाला है टीम बिल ऑफ कैंडी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इस मैच को जीतने वाली है टीम बिल ऑफ कैंडी। चलिए अब हम बात करेंगे इसी दिन खेले जाने वाले दूसरे मैच के बारे में जो होगा मैच नंबर 8, जाफना किंग्स वर्सेस दामबुला थंडर्स। तो भाइयों ये मैच खेला जाना है 6 जुलाई 2024 को इंडियन टाइम के मुताबिक शाम को 7:30 बजे। इस वेन्यू की रिपोर्ट ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में आपको हम बता चुके हैं, इस पर खेले गए मैचेस का रिकॉर्ड हम आपको बता चुके हैं। अब हम सीधा चलते हैं दोनों ही टीम्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड देखने। तो अभी तक LPL में दोनों ही टीम्स का सामना हुआ है टोटल 10 बार, जिसमें से दामबुला टीम जीती है 2 मैचेस और जफना किंग्स की टीम जीती है 8 मैचेस। कुल मिलाकर यहां पर एक तरफा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इतिहास में जफना किंग्स बहुत आगे है दामबुला की टीम से। वहीं अगर दोनों ही टीम्स के पिछले अपने अपने 5 मैचेस की हम बात करें तो दामबुला ने 5 में से 3 लगातार मैच अभी हारे हैं, इसके पहले के 2 मैच वो जीते थे। और जफना किंग्स ने भी पिछले 5 में से लगातार 4 मैच हारने के बाद अब कहीं एक मैच जीत पाया है। तो दोनों ही टीम्स का रिसेंट रिकॉर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है। चलते हैं आगे, डालते हैं नजर इनकी टीम के खिलाड़ियों पर। तो ये सभी खिलाड़ी हमें मैदान में संभावित रूप से दिखाई देने वाले हैं। इनमें से हम बात करेंगे कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स की जो इस मैच में की प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं कुशल परेरा, जिन्होंने पिछले मैच में ये बेहतरीन शतक जमाया है जो कि T20 मैच में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस खिलाड़ी पर डेफिनेटली इस मैच में नजर बनी रहेगी। इसके अलावा फर्नांडो ने भी पिछली पारी जो खेली है 40 रन की बहुत अच्छी पारी थी। इसके बाद मार्क चैपमैन की अगर हम बात करें तो पिछली 2 पारियां इनकी भी बहुत अच्छी रही हैं। पूरी काबिलियत है, इस मैच में ये भी बेहतरीन खेल सकते हैं, तो इन पर भी नजरें बनी रहेंगी। इसके बाद कप्तान मोहम्मद नबी, जिनका बल्ला तो बिल्कुल खामोश है लेकिन गेंद से भी कुछ खास नहीं दिखा पाए हैं, तो इनकी हम कोई बात नहीं करेंगे। चलते हैं आगे, अब नजर डालते हैं एक बार गेंदबाजों के ऊपर। तो नुवान तुसारा की हम बात करने वाले हैं जो पिछले 5 मैचेस में 11 विकेट्स ले चुके हैं दोस्तों। तो डेफिनेटली इस गेंदबाज पर इस मैच में नजर रहेगी। विकेट टेकिंग बॉलर है, बेहतरीन फॉर्म में है और इनके अलावा टीम में कोई खास गेंदबाज नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मधुशंका काफी अच्छे साबित हुए हैं। पिछले 5 मैचेस में ये 6 विकेट्स ले चुके हैं, ये 3 मैच में इन्होंने भी 2 का पहाड़ा पढ़ा था। तो ये थी दामबुला थंडर्स की टीम। अब एक नजर डाल लेते हैं जफना किंग्स की टीम पर। तो ये हैं वो सभी खिलाड़ी जिनको हम मैदान में देखने वाले हैं इस मैच में। देख लेते हैं इनमें से कौन खास साबित हो सकता है इस मैच में। तो पथुम निसंका की हम बात करेंगे। पथुम निसंका जिन्होंने पिछली 5 पारियों में ये स्कोर किया है, 2 पारियां बहुत अच्छी खेली है, ये 27 वाली भी ठीक ठाक पारी थी। शुरुआत टीम को अच्छी देते हैं नो डाउट, तो इन पर भी भरोसा जताया जा सकता है इस मैच में कि ये अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके बाद कुशल मेंडिस, भले ही पिछली 2 पारियों में कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए हों लेकिन काबिलियत इनके अंदर है, इनको मैं अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करूंगा। इसके बाद हम अगले खिलाड़ी पर देखेंगे राइली रूसो, इनके बारे में सेम चीज कहूंगा, पिछली 2 पारियां कुछ खास नहीं रही थी लेकिन टैलेंटेड प्लेयर है, कभी भी इनका बल्ला जोर से बोल सकता है। अविष्का फर्नांडो बेहतरीन फॉर्म में है, पिछली ये 2 बेहतरीन पारियां देखने को मिली है, तो ऑब्वियसली इस मैच में इन पर भी नजरें हम बनाकर रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कप्तान चरित असलंका की, जिनकी पिछली 5 पारियों का स्कोर ये रहा आपके सामने और आप खुद इसे महसूस कर सकते हैं कि ये किस तरीके के फॉर्म में है। जी हाँ, अच्छी खासी कप्तानी पारियां इनके बल्ले से देखने को मिल रही हैं, तो इस मैच में इन पर भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और उम्मीदें भी रहेंगी। इसके बाद गेंदबाजी में अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर कोई भी गेंदबाज कुछ खास नजर नहीं आता है। किसी के भी आंकड़े अगर देख लिए जाएं तो पिछले 5 मैचेस में कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाए हैं, तो गेंदबाजी के लिहाज से ये टीम काफी पिछड़ी हुई है। तो दोस्तों ये थी जफना किंग्स की टीम और इस पूरी एनालिसिस के बाद, सभी आंकड़े देखने के बाद, अब हम चलते हैं हमारे वर्डिक्ट यानी कि प्रेडिक्शन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू अभिमन्यु सर एंड हिज वर्क,
इस मैच में हम सपोर्ट करने वाले हैं जफना किंग्स की टीम को। जी हाँ दोस्तों, इस मैच को जफना किंग्स की टीम जीत सकती है। इसके अलावा प्रिडिक्शन में किसी भी तरह की गुंजाइश अगर है तो आप प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप पर एक्टिव बने रहिएगा। सबसे पहली चीज कि हमारी जो फाइनल टीम होती है वो आफ्टर टॉस ही आती है। इसके बाद ये देखना होता है कि टॉस अगर हमारे फेवर में आया है तो हमारा प्रिडिक्शन मेंटेन रहेगा, और अगर नहीं आया है तो हो सकता है प्रिडिक्शन में 0.5% कोई गुंजाइश हो सकती है कि इसे बदल दिया जाए। तो आपसे एक बार फिर कहूंगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको दी हुई है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कई सारे फेक चैनल्स अब टेलीग्राम पर आ चुके हैं इसी नाम से। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये एक फेक अकाउंट है जो अभिमन्यु सर के नाम को यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो भाई साहब आप कौन है मैं नहीं जानता आपको, लेकिन आपने जो लिख के रखा हुआ है आई एम द गॉड ऑफ क्रिकेट, वेल आप जो भी हैं समझ लीजिएगा कि खुद को गॉड कहने से ऐसे कोई गॉड नहीं बन जाता है। स्पेशली अभिमन्यु सर को जितना मैं जानता हूँ वो खुद को गॉड कभी कह नहीं सकते। तो ऐसे चैनल से आपको सावधान रहना है दोस्तों। सबसे बेटर तरीका यही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से आप सीधा ग्रुप पर पहुंचे और ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके बाद दोस्तों इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि लंका प्रीमियर लीग के शुरुआती 5 मैचेस का आप पूरा का पूरा ये ब्यौरा देख सकते हैं स्क्रीन पर। देख सकते हैं कि 4 मैचेस में बैक टू बैक मैच पासेस दिए गए हैं। इसके अलावा एक मैच ऐसा भी रहा जहां पर कोई प्रॉफिट नहीं और कोई लॉस नहीं मिला। इसके साथ ही बैक टू बैक 2 जैकपॉट कैश किए। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं दोस्तों कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग के भी सारे प्रेडिक्शंस आपको ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। उन पर हम यूट्यूब के लिए वीडियो भले ही नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप में सारी अपडेट्स ले सकते हैं।